Silence. Roll please. Hello, Abhikas. Sir, आप silence हैं. Sir, roll क्या? Silence. Dr. Avasthi, meet Mr. Jagannath. Mr. Jagannath, Dr. Avasthi. Hello, sir. Hello, Dr. Avasthi. मैंने इनसे बात कर ली. ये मधु की medical supervision में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. Absolutely. आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं. You can survive at the hospital. Mr. Jagannath, he's the best doctor that we have. अगर हमारी मधु का ऐसे इलाज होगा तो क्या खराब है? अपने घर में रहे, अपनों के माहौल में रहे, ना कि उस पागल खाने की चार दीवारों में. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? वहां पे किसी नर्स के हाथ उसे खाना खाएगी, यहाँ पे पसीना चमक गया. और क्या चाहिए? वहां पे किसी नर्स के हाथ उसे खाएगी, पर खुद अपने डैड के हाथों से खाएगी, वहां पे अपना सर पटकेगी, लेकिन यहाँ पर वो अपने घर वालों से बैठ के बातें कर पाएगी, एटलीस्ट खुश तो रहेगी. समाज जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं. मिश्रा नंदो, मैंने ऐसे केसेस काफी हैंडल किए और हाल ही में एक रिसर्च भी की. उससे पता चला है कि ऐसे पेशेंट्स की देखभाल जितनी अच्छी घर में हो सकती है इतनी हॉस्पिटल में ही हो सकती है, और मैं बहुत तेजी से इनकी देखभाल करूँगा. ट्रस्ट मी मिस्टर मांतो, मैं डॉक्टर हूँ, आपको गलत राय नहीं दूंगा. ठीक है डॉक्टर अवस्थी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मधु मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे. इसके साथ क्या जी? सर, कहाँ से? आपके डॉक्टर. ठीक है डॉक्टर अवस्थी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मधु मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे, इसका अच्छा सा ट्रीटमेंट करिएगा और जल्दी से इलाज करिएगा. आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी बिल्कुल सही हाथों में. मधु, I'm so happy. अब तुम कहीं नहीं जाओ, हमारे साथ रहो. और अब तो डॉक्टर भी आ गए. मधु, I'm so happy. अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ रहोगी. और अब तो डॉक्टर भी आ गए, तुम्हारी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से होगी. चलो रूम में चलते हैं. हाँ, कम लाइए समारा जी, मैं लेके जाता हूँ. That's very sweet of you. सुनैना. लिया सुनैना जी आई, लेकिन निकल गया वो. लेके गए वो लोग.
समायरा को मधु से बहुत लगाव हो गया है, शायद इसलिए उसे बुरा लग रहा होगा कि मधु जा रही है, इसलिए शायद वो नीचे नहीं आ पाए। लेकिन समायरा तो रूम में नहीं है। क्या रूम में नहीं है तो कहाँ गई? ओहो, उसे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक्शन। मैं बाहर इसलिए गई थी ताकि मधु बाहर न जाए। ये यादव कहाँ पे? यादव हाथी का ये? हाँ ये रोल। घर से बाहर इसलिए गई थी ताकि मधु को घर से बाहर ना जाना पड़े। चलिए ये वाली हमारा मतलब, हमारा मतलब ये कि इधर आगे आगे मधु को यहाँ पे आगे या नहीं कोई जरूरत नहीं। लाइए हमारे, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ मुझे पता है, आप बेफिक्र रहिए। हाँ हम चाहते हैं कि मधु की जो देखभाल हॉस्पिटल में होती है, अगर घर में जाए तो कैसा रहेगा? वो यहाँ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं सब कुछ, कुछ बता रही है सब डॉक्टर के बारे में, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। और डॉक्टर को आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखा सेम डॉक्टर आए, अच्छा डॉक्टर खड़े हुए एकदम चल के आगे आए। उन्होंने बोला समारा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इनके यहाँ पे बहुत अच्छे से इलाज कर दूँगा और बहुत तेज़ से इनको आराम भी हो जाएगा। मैं बोली भाई मैं लेके चलती हूँ। मेरे ने बोला आप रुकिए मैं खुद लेके जाता हूँ। मानसू जी ने आपको बोला सुने ना, थोड़ा हेल्प करो पाए आगे। काफ़ी एक सरप्राइज एंट्री हुई है महंतो घर में, और वो एंट्री है डॉक्टर अवस्थी की, जो एक्चुअली रियलिटी में नीरज है, जिन्होंने शिखा की हर कदम पे मदद की है। सो एंड आदित्य नोज़, वो नीरज को पहचानता है, तो आदित्य थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि नीरज डॉक्टर अवस्थी बन के आया है हमारे घर में, एंड आई नो ऑफ द प्लान। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डॉक्टर अवस्थी का पर्दा इतनी आसानी से तो मैं किसी को फाश करने दूंगी नहीं, क्योंकि बहुत वेल थॉट आउट प्लान है, और यहाँ पे आइडिया यही है कि मधु को थोड़ा और टॉर्चर किया जाए। सो डॉक्टर अवस्थी विल बी डूइंग दैट। मधु का टॉर्चर अभी ख़त्म नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, क्योंकि शिखा उस वेंजेंस से आई है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, उसका डबल मैं तुम लोगों के साथ करूँगी। सो मधु इज़ नॉट गोइंग टू गेट अवे वेरी इजीली। स्क्रीन प्ले पढ़ा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया। थैंकफुली मैं कभी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई नहीं है, बट इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स टू अ डियर वन ऑफ माइन, मैं उनको हॉस्पिटल में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आई थिंक लव कैन क्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई वुड कीप दैट पर्सन विद मी। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मैं ना भूलूँगी, देखिए हमें इनक्रेज कीजिए, क्योंकि आपकी इनक्रेजमेंट है तो हम लोग और काम करेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वॉच मैं ना भूलूँगी ऑन सोनी मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM। थैंक यू। To your right. Rolling and
I have to field me. मधुर माँ इस वक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसी पड़ी है क्योंकि शिखा जो है वो हर तरीके के पैतरे यू नो आजमा रही है मुझे पागल साबित करने के लिए. और फिलहाल ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पर वो मुझे कुछ दवाइयाँ खिला चुकी है मेरे खाने में डाल के और मैं हैलुसिनेट करना चालू कर दिया है मैंने. मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है और मैं अजीब अजीब चीज़ें कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे बाप को लग रहा है कि मिस्टर महातो को लगता है कि हाँ वाकई में मधुरिमा को यू नो एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत है और वो वाकई में पागल हो रही है और घर पर रहकर उसका कोई सुधार नहीं हो रहा है तो उसे पागल खाने वापस भेजा जाए. तो ये वो सीन है जहाँ पर मुझे पागल खाने वापस भेजने की पूरी तैयारी हो रही है और अचानक शिखा आती है विद अनदर प्लान ऑफ हर्स और वो कैसे मुझे पागल खाने जाने से रोक देती है क्योंकि उसके पीछे भी उसका एक अल्टीरियर मोटिव है और वो क्या मोटिव है वो ऑडियंस को देखना पड़ेगा. मधुरिमा अभी फ़िलहाल एक ही प्लान है उसके दिमाग में कि चुप रहे और तमाशा देखे क्योंकि इस वक्त शिखा बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऐसे वक्त में जब आप कुछ करने जाते हैं तो वो उल्टा ही पड़ जाता है. तो पेशेंस रखें. आई थिंक पेशेंस इज वर्च्यू. सो या मधुरिमा इस वक्त बहुत पेशेंट है. मेरे लिए कोई भी तरह का सीन करना आसान नहीं होता बिकॉज आप वो किरदार हो नहीं. बट येस मैं आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होता. मैंने पागल की एक्टिंग ऐसी पहले कभी नहीं की तो मैं कोशिश कर लूँगी कुछ नया लेकर आऊँ और आई होप मेरी ऑडियंस को पसंद आए. अब अविनेश जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नीरज का वो अब महांत फैमिली में घुसने वाले हैं. कैसे घुसने वाले हैं ऑडियंस प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू वॉच मैं ना भूलूंगी ऑन सोनी. मैं बस ये कहूँगी कि आई लव देम. अभी तक उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और पिछले कुछ हफ्तों से मुझे चुप देखा है तो और भी कुछ ज़्यादा एकदम हैरानी की बात है उनके लिए. बट मैं इतना कहूँगी कि सब्र रखिए बहुत जल्दी मधुरिमा आपके लिए वैसे ही मधुरिमा बन के आएगी. लव यू गाइज. आज आज मधुरिमा को लेके आते हैं और उसको पागल खाने वापस भेज देते हैं. हाँ बेसिकली हमारी जो शिखा है शिखा समायरा जो है वो प्लान करके ऐसा कोई एक सिचुएशन बनाती है कि हम वापस उसे भेजने की कोशिश करते हैं पागल खाने बट वापस हमारा सिंपैथी गेन करने के लिए वो रोक देती है उसे. तो वही सीन चल रहा है बाहर. ये तो एक्चुअली हमें भी नहीं पता है वी डोंट नो क्या होने वाला है आगे. तो आपको क्या लगता है शिखा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? होना तो चाहिए. और मधुरिमा का रिएक्शन क्या होगा? शिखा ऑब्वियसली जीतेगी तो मधुरिमा हैज टू लूज इट. दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप?
देखते रहिए, मैं ना भूलूंगी. Exactly.